After understanding the location of center of mass of various regular mass system, हमने अभी तक जो center of mass locate करे हैं वो regular mass system के लिए, जैसे sphere, hemisphere, circle, semicircle, cone, semicircular wire, circular wire, triangle, rectangle और square, ये सब regular mass system है. इन सब के लिए हमने सेंटर ऑफ मास लोकेट करना सीख लिया. और इसके बाद अभी जो हमने सीखा है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब जब पार्टिकल मूव करने लगे तो उनके पोजीशन वेक्टर को कैसे देखा जाए, उनके वेलोसिटी वेक्टर को कैसे देखा जाए, उनके एक्सीलरेशन वेक्टर को कैसे देखा जाए, हमने उसे सीख लिया. अब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड मैं लास्ट आर्टिकल समझाता हूं, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास सिस्टम. Now, what do we mean by negative mass system? यदि हम किसी मास को काट के अलग कर रहे हैं, if we are chopping off some mass and if we are removing that mass from our system, तो जिस मास को हम रिमूव कर रहे हैं, उसको काट के जिसको हम अलग कर रहे हैं, जिसको हम सिस्टम से हटा दे रहे हैं, that mass may be treated as a नेगेटिव मास. नेगेटिव मास सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना, कैसे ट्रीट करना, इस बात को समझाने के लिए मैं एक प्रॉब्लम ही लेता हूं. उस प्रॉब्लम को पहले मैं समझाता हूं और फिर उसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करके भी हम देखते हैं और उससे हम नेगेटिव मास के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है इस बात को सीखेंगे. देखिए, my next article is this negative mass system. इसी समय एक प्रॉब्लम को देखते हैं. एक स्क्वायर लेमिना, दिस इज अ स्क्वायर लेमिना. और यह स्क्वायर लेमिना इस तरह से एक्स वाई प्लेन पर ओरिजिन पर रखा हुआ है. अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि इस स्क्वायर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, बड़ी आसानी से कह देंगे कि भाई ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो है, क्योंकि यह ओरिजिन पर बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा हुआ है. अब मैं क्या करता हूं, यह स्क्वायर लेमिना जिसकी एज लेंथ ए है, इस स्क्वायर लेमिना से मैं एक दूसरा स्क्वायर लेमिना काट के अलग कर देता हूं. मैं एज लेंथ ए बाय थ्री का एक स्क्वायर लेमिना काट के अलग करता हूं. यह एज लेंथ ए बाय थ्री और इधर से यह स्क्वायर लेमिना मैंने काट के अलग कर दिया और अब यह मास सिस्टम कुछ ऐसा दिखने लगा. इस जगह पर पहले यह मास कंप्लीट था, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं और इस जगह से मैंने यह a बाय थ्री एज लेंथ का एक स्क्वायर लेमिना काट के अलग कर दिया. अब यह जो हमारे पास लेमिना बचा हुआ है, जो मास सिस्टम बचा हुआ है जिसमें a एज लेंथ के स्क्वायर से a बाय थ्री एज लेंथ के स्क्वायर को काट के मैंने अलग कर दिया, किस तरह से काट के अलग करा है इस बात को भी ध्यान से देखेंगे. अब कटने के बाद यह लेमिना इस तरह से लगने लगा. मुझे इसका सेंटर ऑफ
मास डिटरमाइन करना है मुझे, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है. नाउ सच टाइप ऑफ मास सिस्टम वी कॉल इट अ नेगेटिव मास सिस्टम. नेगेटिव मास सिस्टम कैसे? हम पूरे जो लेमिना का मास है उसको तो हम पॉजिटिव मास कहेंगे, और यह जो स्क्वायर लेमिना ए बाय थ्री एज लेंथ का जिसको हम काट के अलग कर रहे हैं, जिस मास को हम काट के अलग कर रहे हैं, इस मास को हम नेगेटिव मास कह देंगे. क्या थोड़ा आईक्यू थोड़ा एप्टीट्यूड अप्लाई आप लोग कर सकते हो, और आईक्यू और एप्टीट्यूड अप्लाई करके क्या इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की आप सबसे पहले कोशिश करोगे? डेफिनेटली मैं तो समझाऊंगा ही, मगर मेरे समझाने से पहले मैं 4 से 5 मिनट आपको देना चाहूंगा कि क्या आप मेरे समझाने से पहले इसको सॉल्व करके दिखाओगे. एक बात पक्का है कि अब का सेंटर ऑफ मास कोई ओरिजिन पर नहीं रहेगा. यदि मैंने इधर से स्क्वायर लेमिना काट के हटाया है तो सेंटर ऑफ मास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निश्चित बराबर रहेगा. कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट भी डिटरमाइन कर दिया जाए तो दूसरा कोऑर्डिनेट अपने आप पता लग जाएगा. क्या आप अपना पहला अटेम्प्ट लगाकर इसे मेरे समझाने से पहले करके दिखा सकोगे? आई गिव यू 3 to 4 मिनट्स, स्टार्ट पुटिंग योर अटेम्प्ट. नाउ लेट मी टीच यू हाउ टू सॉल्व दिस सिचुएशन. सबसे पहले एस आई टोल्ड यू, सेंटर ऑफ मास जब भी हमें निकालना है तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना जरूर चाहिए. सबसे पहले कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वी कॉल इट मास पर यूनिट सरफेस एरिया. इस सिचुएशन में हम जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे विल कॉल इट मास पर यूनिट सरफेस एरिया. We denote it by sigma, and यह जो हमने लेमिना लिया है इसका मास हमने m assume कर लिया. अब इसका एरिया कितना है? जब स्क्वायर कंप्लीट था तो उसका एरिया था a स्क्वायर, और इसमें से a स्क्वायर by 9 यह एरिया काट के अलग कर दिया. ए बाय थ्री इंटू ए बाय थ्री, दैट इज ए स्क्वायर बाय 9. तो जो हमारे पास में लेमिना दिख रहा है उसका एरिया है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 9, टोटल मास अपॉन द एरिया. नाउ दिस इज मास पर यूनिट एरिया, दिस इज अ कॉन्स्टेंट. दिस मास पर यूनिट एरिया इज 8 ए स्क्वायर बाय 9 डिनोमिनेटर में दिखा है, 9m बाय 8 ए स्क्वायर. सबसे पहले हमने यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन कर दी, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. अब हम क्या करते हैं, इस मास सिस्टम को हम टू पार्टिकल सिस्टम में रिड्यूस करते हैं. टू मास सिस्टम, हम पहला मास लेते हैं कंप्लीट मास, इसे हम कहते हैं मास m1, इसका सेंटर ऑफ मास c1, जिसके लिए कुछ x1 और कुछ y1. यह मास m1 विच इज अ कंप्लीट स्क्वायर. अब मास m2 हम किसे कहते हैं? मास m2, जिस मास को हम काट रहे हैं, यह जो मास जो काटा जा रहा है, जिस जगह से जिस तरह से काटा जा रहा है उसी जगह पर उसी तरह से कटे हुए मास को मैं इधर इंडिकेट कर रहा हूं, इधर ड्रॉ कर रहा हूं, यह मास काटा जा रहा है. काटे गए मास को हम मास m2 कहते हैं. दिस इज मास m2.
इसका सेंटर ऑफ मास C2 कहीं इधर है, इसके सेंटर ऑफ मास के लिए X2 और Y2 हम इधर लिखेंगे। अब देखिए मास M1 और मास M2 को सबसे पहले मैं लिखता हूं। मास M1 क्या होगा? मास M1 होगा मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा जो कि कांस्टेंट है, इंटू इट्स एरिया दैट इज ए स्क्वायर, दिस मास M1। सिग्मा इज 9m अपॉन 8a स्क्वायर, तो 9m अपॉन 8a स्क्वायर जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा 9 अपॉन 8m, यह मास M1 हो गया। इसे हमने पॉजिटिव मास लिया और यह मास M1। अब X1 क्या लिखूं? मास M1 का जो सेंटर ऑफ मास है वह 0 0 है, ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ मास। X1 भी 0 है इसका, Y1 भी 0 है इसका, जो सेंटर C1 है, X1 0 Y1 0। अब मैं मास M2 लिखता हूं, मास M2 मैंने इस मास को कहा है। नाउ दिस इज द मास विच इज बीइंग चोप्ड ऑफ, विच इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम देयर, और जिस मास को रिमूव करा जा रहा है, काट के अलग करा जा रहा है, दैट शुड बी टर्म्ड एज अ नेगेटिव मास। सबसे पहले हम इसे नेगेटिव मास कहेंगे। नेगेटिव मास कितना है? यहां मास पर यूनिट एरिया इंटू इट्स एरिया ए स्क्वायर बाय 9। इसका मास पर यूनिट एरिया भी उतना ही है, सिग्मा यूनिफॉर्म है, इंटू इट्स एरिया, इट्स एरिया इज ए स्क्वायर बाय 9। अब सिग्मा की जगह मैं यह लिखता हूं 9m बाय 8a स्क्वायर, तो यह हो जाएगा नेगेटिव मास ऑफ m अपॉन 8। अब अभी तक के कंसेप्ट को मुझे वेरीफाई करना है, अभी तक के कंसेप्ट को वेरीफाई करने का एक साधारण सा तरीका है, समेशन ऑफ एम आई शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एम। समेशन ऑफ एम आई शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास। हमने जो अलग अलग पार्टिकल्स लिए हैं, अलग अलग पार्टिकल्स के मास को यदि हम ऐड करें तो उसे टोटल मास के बराबर होना चाहिए। जरा देखिए समेशन ऑफ एम आई जब हम करेंगे तो एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू वुड बी इक्वल टू 9m बाय 8 माइनस m बाय 8 एंड दिस कम्स आउट टू बी m। मतलब यह m1 मास और यह m2 मास हमने सही तरीके से लिया है, यह पॉजिटिव मास है और यह नेगेटिव मास है। जस्ट इमेजिन इस पॉजिटिव मास के ऊपर यदि यह नेगेटिव मास ऐसा कैसे इसी जगह पर रख दिया जाए तो पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास मिलकर जीरो हो जाएगा, इधर से मास डिसअपीयर हो जाएगा और हमारा यही वाला एग्जैक्टली सिस्टम बन जाएगा। इस तरह से हमने नेगेटिव मास के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। अब इस नेगेटिव मास के लिए, इस नेगेटिव मास M2 का यह सेंटर C2 है, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, x2 और y2 लिखना है। ध्यान रहे इसके लिए x2 भी नेगेटिव है, y2 भी नेगेटिव है और दोनों की वैल्यू सेम है, कोई एक यदि हमने लिख दिया तो अपने आप दूसरा दिखने लगता है। अब x2 कैसे लिखूं? व्हाट इज x2? x2 इज दिस सेपरेशन। मैं कलर चेंज करता हूं, दिस इज x2 फ्रॉम हियर टू हियर, यह x2 है। मैं x2 लिखता हूं, x2 इज सबसे पहले दिस इज a बाय टू, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज a बाय टू, इस a बाय टू में से यह दूरी हम मुझको हटानी है, बट दिस इज a बाय थ्री, दिस हाफ इज a बाय सिक्स, तो a बाय टू में से a बाय सिक्स सब्सट्रैक्ट करा जाए
तो यह दूरी हो जाएगी और यह नेगेटिव वैल्यू होगी. ऑब्जर्व दिस. फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज a बाय टू एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज a बाय सिक्स. a बाय टू में से a बाय सिक्स यदि हम हटा दें तो यह लेंथ हो जाएगी और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ और x2 की नेगेटिव साइन होएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में. सो दिस x2 सॉल्व इट एंड यू विल गेट माइनस a बाय थ्री. थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए और x2 आपको माइनस a बाय थ्री दिखने लगेगा. इस तरह से x2 हुआ माइनस a बाय थ्री और जो x2 की वैल्यू है वही y2 की वैल्यू होनी चाहिए. दिस वुड बी ऑल्सो माइनस a बाय थ्री. मतलब यह जो नेगेटिव मास है इसका x कोऑर्डिनेट माइनस a बाय थ्री और y कोऑर्डिनेट a बाय थ्री. इस तरह से हमने टू पार्टिकल सिस्टम बनाए जिसमें एक पार्टिकल तो पॉजिटिव मास है और दूसरा पार्टिकल नेगेटिव मास है. इस पॉजिटिव और नेगेटिव मास को एड कर दिया जाए तो हमारा डिजायर्ड मास सिस्टम बन जाता है. अब इस डिजायर्ड मास सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए कहूंगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. मैं यह टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का यह फॉर्मूला लगा दूंगा. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 की जगह पर मैं लिखता हूं 9m by 8 into 0 plus m2 के जगह पर लिखता हूं मैं minus m by 8 into x2 की जगह minus a by 3 upon m1 plus m2. m1 plus m2 मैंने already m लिख रखा है. सिचुएशन को सॉल्व कर लीजिए. यू विल गेट एक्स कोऑर्डिनेट एस ए बाय 24, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी सेम ए बाय 24, एंड सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एस ए बाय 24 कॉमा ए बाय 24. कहीं इस जगह पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा और इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा ए बाय 24 कॉमा ए बाय. This is the location of center of mass. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को देखें किस तरह से नेगेटिव मास सिस्टम का कंसेप्ट अप्लाई करेगा. इस बात को समझे. मैं एक प्रॉब्लम और दूंगा नेगेटिव मास सिस्टम को ही समझाने के लिए. पहले इसे ध्यान से देख लीजिए. मैं इसी नेगेटिव मास सिस्टम को फाइनली समझाने के लिए अब एक प्रॉब्लम और देता हूं एंड विद दैट आई declare the finish of this chapter. In fact, this is a circular lamina. यह एक circular lamina है और इस circular lamina इसकी जो positioning है it's like this. It's placed at origin and this x and y coordinate. मैं क्या करता हूं बड़े ध्यान से समझना. मैं इस सर्कुलर लेमिना से एक दूसरा सर्कुलर लेमिना एक सर्कुलर एरिया काट के अलग करता हूं. इसका रेडियस r है. इस लेमिना का रेडियस r है. इस सर्कुलर लेमिना से मैं जो दूसरा लेमिना काट के अलग कर रहा हूं किस तरह से और कहां से अलग कर रहा हूं इस बात को ध्यान से देखना. मैं इधर से 30 डिग्री पर जाता हूं
और यहां से r बाय 4 रेडियस का एक सर्कुलर लेमिना इस तरह से काट के अलग कर देता हूं. दिस इज हैविंग द रेडियस ऑफ r बाय 4. इसका रेडियस तो r है, इधर से मैं 30 डिग्री पर एक एक्सिस ऐसी देखी, इधर से r बाय 4 रेडियस की एक सर्कुलर लेमिना काट के अलग कर दिया. यह जो सेपरेशन रहा है इसका मतलब 3r बाय 4 की दूरी पर रहा है. 3r बाय 4 सेंटर से 3r बाय 4 की दूरी तक गया, अपन 3r बाय 4 और यहां से हमने एक r बाय 4 रेडियस का एक सर्कुलर लेमिना काट के अलग कर दिया. सर्कुलर लेमिना रेडियस r बाय 4. Circular lamina of radius and another circular lamina of radius r by 4 is removed as shown in figure. Another circular lamina of radius r by 4 is removed as shown in figure. Now the question is, locate center of mass of remaining lamina. Jo bacha hua lamina hai uska center of mass aap लोकेट करके दीजिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट की लोकेशन आप इसी समय बताइए. नाउ दिस इज अ अप्लाइड लेवल ऑफ प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को यदि आप करने में सफल हो जाते हैं तो आपने डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास के अल्टीमेट लेवल को टच कर लिया. दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, द लास्ट कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसके बाद यह टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल. सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज फॉलोड विद दैट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल. और उसके बाद में हम कंसेप्ट ऑफ कोलिजन समझेंगे. इस प्रॉब्लम पर एक बार अटेम्प्ट लगाइए, 3 से 4 मिनट में आपको देता हूं, फिर इसका सॉल्यूशन समझा दूंगा. चलिए हम इमीडिएटली इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं. सबसे पहला, एक कांस्टेंट क्वांटिटी मास पर यूनिट एरिया डिफाइन कर दिया जाए. टोटल मास m और जो एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाय 4 स्क्वायर, यह मास पर यूनिट एरिया हो गया. इसको मैं लिख देता हूं 16m by 15 pi r square. यह मास पर यूनिट एरिया, मास अपॉन एरिया. एरिया में मैंने पूरे सर्कुलर लेमिना का एरिया लिया माइनस जो काटा गया है उसके एरिया को अलग कर दिया और यह मास पर यूनिट एरिया pi r square by 16. 16 ऊपर चला गया, 16 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 15 पाई स्क्वायर, इस तरह से यह मिल गया. अब मैं मास m1 उसके लिए x1 और y1 लिखूंगा और जो काटा गया है मास है उसको मास m2 उसके लिए x2 और y2 लिखूंगा. पहले m1 लिखता हूं, m1 में पूरा का पूरा मास लूंगा, m1 में पूरा मास लूंगा. मास m1 वुड बी अ पॉजिटिव मास, इट वुड बी मास पर यूनिट एरिया इनटू पाई आर स्क्वायर. तो मास m1 हुआ
16m by 15 pi r square into pi r square. They were plus 16m by m by 15. यह मास m1 हुआ. इसके लिए x1 भी 0 और इसके लिए y1 भी 0. x1 और y1 दोनों 0, क्योंकि यह मास जो है वह बिल्कुल सिमेट्रिकली xy प्लेन पर रखा हुआ है. अब मैं मास m2 लिखता हूं. मास m2 इज, अब इस मास को काटा जा रहा, काट के हम अलग कर रहे हैं, काट के अलग कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव मास इनटू मास पर यूनिट एरिया इनटू पाई r बाय 4 होल स्क्वायर. नेगेटिव मास सिग्मा की जगह 16m बाय 15 पाई r स्क्वायर इनटू पाई r स्क्वायर बाय 16. सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस m अपॉन 15. यह पॉजिटिव मास, यह नेगेटिव मास, मास m1, यह मास m2. एक बार वेरीफाई करके देख लें. समेशन ऑफ एम आई विच इज मास एम वन प्लस मास एम टू, यह एम के बराबर आना चाहिए, जो कि आता हुआ दिखेगा. 16 एम बाय 15 माइनस एम बाय 15 इज इक्वल टू एम. मतलब ये हमने मास एम वन मास एम टू बिल्कुल सही तरीके से लिए हैं. अब हम एक्स टू और वाई टू लिखते हैं. सबसे पहले एक्स टू, जरा देखिए ये जो मास काटा जा रहा है इसके लिए एक्स टू क्या होगा. ये 3r बाय 4 की दूरी मैंने बताई और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं इधर से इधर तक. इट्स 3r बाय 4 cos 30. 3r बाय 4 cos 30. cos 30 की क्या वैल्यू है? रूट 3 बाय 2. तो 3 रूट 3 by 8 into r. cos 30 is root 3 by 2, so 3 root 3 by 8. Now what is y2? y2 is this length from here to here, 3r by 8 sin 30. That's a 3r by 4 sin 30. Sin 30 is 1 by 2. So 1 by 2 into 3r by 4. That is 3r by 8. This was an x2 by 2. Likh diya. Ab x coordinate of center of mass is m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. X coordinate of center of mass is m1 x1 plus m2 into x2. x2 is 3 root 3 r by 8 upon m1 plus m2. इसी तरह से y coordinate of center of mass is m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. इसे ये चीज जीरो हो गई, एम से एम कैंसल्ड एंड 3 3 5 40 रूट 3 आर बाय 40. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो मुझे दिख रहा है रूट 3 आर बाय 40 विथ नेगेटिव साइन, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो मुझे दिख रहा है विथ नेगेटिव साइन
r by 40. So center of mass is located as minus root 3 r by 40 comma minus r by 40. This is the location of center of mass. कहीं center of mass इस जगह पर चला जाएगा. Center of mass को locate करने का तरीका देखिए, negative mass system समझिए. And with that, I declare the finish of this topic, that is center of mass. इसमें motion of center of mass के लिए जो मैंने थ्योरी बताई है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमको कम से कम 7-8 करने होंगे. इसी समय क्यों ना जो मैंने शीट दी है उस शीट में से 2-4 सवाल अभी के अभी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर हम अभी करके देखते हैं इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इट. यही देता हूं.